ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें आपके पास एक यूनिफॉर्म लैडर है, तो यूनिफॉर्म लैडर का मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेंटर पे है, सेंटर ऑफ वेट भी एग्जैक्टली सेंटर पे है। तो वन न्यूटन की फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है अपने वेट की वजह से, ठीक है। अच्छा जरा नोटिस करो आप, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। फर्स्ट करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जहां पे द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द स्मूथ वॉल। क्वेश्चन में बताया गया कि ये वॉल कौन सी वॉल है, कि स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल का मतलब है देयर इज नो फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल इज जीरो। और अगर ये ग्राउंड, ये लैडर स्लिप नहीं हो रही, तो उसका मतलब कि ग्राउंड में फ्रिक्शन मौजूद है। लैडर स्लिप नहीं हो रही मतलब ग्राउंड में फ्रिक्शन मौजूद है। अब अपने वेट डब्ल्यू की वजह से ये लैडर को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आएगा। तो ग्राउंड का एक रिएक्शन जो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसे हम एफ वाई से इंडिकेट कर देते हैं। तो एक ग्राउंड का रिएक्शन है इसके वेट के अगेंस्ट, इसका वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ग्राउंड का जो रिएक्शन होगा एफ वाई अपवर्ड एक्ट करेगा। और फिर ये स्लिप भी होना चाह रहा है, लेकिन स्लिप हो सके नहीं, इसका मतलब कि ग्राउंड का फ्रैक्शन भी है। ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है, ये लैडर स्लिप होके, लेकिन ग्राउंड उसको पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो ग्राउंड के रिएक्शन का एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। जो वाई कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो एक्स कंपोनेंट है वो इसको स्किड होने से रोक रहा है, स्लिप होने से रोक रहा है। इसी तरह वॉल का रिएक्शन भी है, ये वॉल को पीछे पुश करना चाहता है, तो वॉल आगे की तरफ इसको पुश करेगी, लैडर को करेगी कि नहीं। तो ये वॉल के रिएक्शन को हम आर से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कीजिए कि लैडर की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 4.5 मीटर है, 4.0 यानी 4 मीटर इस लैडर की लेंथ है। तो यहां पे द लेंथ ऑफ द लैडर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। यहां पे मैं इसके लिए इंडिकेशन दे देता हूं, इस लैडर की लेंथ है एल, और क्वेश्चन में बताया गया कि कितने एंगल पर, 70 एंगल पर यहां पे खड़ी हुई है इस वॉल के साथ। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये लैडर की लेंथ का वाई कंपोनेंट है, ये वाला, हाँ, और ये लैडर की लेंथ का एक्स कंपोनेंट है, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? तो ये ए बी और यहां पे पॉइंट सी बना दो, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा लाइक दिस, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये एल एक्स, ये एल है, यहां पे एंगल 70 है, तो ये एल वाई और ये एल एक्स, लेंथ के मैंने दो कंपोनेंट बता दिए, वेयर एल वाई इज एल साइन थीटा एंड एल एक्स इज एल कॉस थीटा। समझ आ गई? यस सर। ओके, अब आपको ये कहा गया है कि फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एंड रिएक्शन ऑफ द वॉल। रिएक्शन ऑफ द वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट से एफ जी। तो ग्राउंड के रिएक्शन के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक और एक। तो बताओ ग्राउंड के रिएक्शन किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई। आप वेक्टर्स में और वेक्टर्स को भुला देंगे तो गलत है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये भी तो 90 एंगल पे है, ये ग्राउंड के रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाए तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे कि नहीं, तो सिंपल सम fx + fy ही आएगा, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, स्क्वायर का रूट इस्तेमाल होगा। समझ आ गई बात? ओके, अब हमें fx fy और r की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, अगर मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं तो सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। अब एक्स के अलोंग कितनी फोर्सेस हैं, नोटिस करो, एक तो एफएक्स है और एक आर है, और ये दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दे आर आल्सो इक्विवेलेंट सो वी राइट fx को पॉजिटिव ले लो r को नेगेटिव ले लो क्योंकि fx पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है और r fx minus r is equal to 0 which means fx is equal to r तो fx और r बराबर है लेकिन दोनों ही अननोन है फिलहाल हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता इसके लिए हम क्या करेंगे हम फिर सेकंड कंडीशन बनाएंगे अगर मसला ना हल हुआ ठीक है अच्छा फर्स्ट कंडीशन का एक हिस्सा तो ये कहता है sum of all the forces acting along x is 0 दूसरा हिस्सा sum of all the forces acting along y should also be 0 ये कह रहे हैं अच्छा अब क्या करेंगे y के along भी दो forces हैं कौन कौन से एक तो weight है और एक fy है fy upward है तो उसको positive ले लो और weight w downward है तो उसको negative इन दोनों का sum fy is equal to w and w की क्या value है fy is equal to 120 तो y component तो हमें मिल गया लेकिन x component नहीं मिला तो y को टिक कर दें और अगर x मिल गया तो r भी मिल जाएगा yes sir that is a good thing actually कि ये दोनों बराबर हैं एक भी मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा फर्स्ट कंडीशन लगा दी है लेकिन क्या मसला हल हुआ नहीं अब सेकंड कंडीशन लगा दी सेकंड कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले वो पॉइंट चूज करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को मेजर करना चाहते हैं ठीक है तो मैं ऐसा करता हूं इस डायग्राम में यहां पर पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेता हूं पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने की क्या वजह है वाई आई टेक पॉइंट ए देखो fx हमें पता है नो सर fy हमें पता है और मैंने एक बात बताई कि जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो उसकी टॉर्क जीरो तो अब यहां से दो फोर्सेस पास हो रही हैं और दोनों अननोन हैं तो उनकी टॉर्क अगर जीरो हो गई तो वो सिस्टम से आउट हो जाएगी तो यहां पे पॉइंट ओ को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेना चाहिए दोबारा बताऊं ये बात आप जब पॉइंट ओ को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएंगे तो पॉइंट ओ से fx की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है और fy की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है तो इनका मोमेंट आर्म जीरो है तो क्या आप ये टॉर्क पैदा कर सकेंगे नहीं तो ये सिस्टम से इलिमिनेट हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट ओल्ड एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि देखो ये एक मीटर रॉड है जिसको मैंने एक नाइफ एज पे बैलेंस किया हुआ है अब बताओ क्या ये फोर्स F1 इसमें टॉर्क पैदा कर सकती है कौन सी टॉर्क अच्छा बताओ ये फोर्स F2 इसमें टॉर्क पैदा कर सकती है टॉर्क वाइज लेकिन बताओ अब ये वाली फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है क्योंकि इसका मोमेंट आर्म जीरो है तो आपने ये स्मार्टली चूज F2 का मोमेंट आर्म है F1 का मोमेंट आर्म है लेकिन ये फोर्स F का मोमेंट आर्म है नहीं इसी तरह अगर A एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो FY भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है FX भी एक्सिस ऑफ जैसे ये F एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो इन दोनों का मोमेंट आर्म जीरो इसीलिए इनकी टॉर्क भी जीरो इज इट क्लियर तो अब ऐसा करो कि पॉइंट ए को तो आपने चूज कर लिया है कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो अब बाकी कितनी फोर्सेस रह गई हैं सिस्टम में सिर्फ दो ए के डब्ल्यू और ए के आर सिस्टम में टोटल चार फोर्सेस थी वो फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा एफएक्स और आर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं एफआई और डब्ल्यू एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं जब आपने ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया तो एफएक्स और एफआई की टॉर्क जीरो अब रह गया वेट और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी अब अगर वेट क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा तो आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा समझ आई चलो चेक करते हैं वेट कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है देखो अच्छा ये भी यूनिफॉर्म रॉड है अब इसका वेट डब्ल्यू ये ऐसे इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे इसका वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है yes, sir. तो अगर दीवार हट गई वहां से तो ये गिरेगा क्यों तो ये कौन सी टॉर्क पैदा करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंटी देखो ना अगर मैं इसको छोड़ दूं ये सवाल के अगेंस्ट होल्ड कर रहा है इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे आ रहा है अपने वेट डब्ल्यू की वजह से तो वेट ने कौन सी टॉर्क पैदा की क्लॉकवाइज और ये देखो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है तो ये इसको इधर ले जाएगा ठीक है ये फॉलो करो तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि वेट जो है द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वेट इज क्लॉकवाइज टॉर्क व्हाइल द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोमेंट द रिएक्शन आर इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे आर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
अच्छा टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एंड फोर्स. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एंड फोर्स. अब यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क को स्वेट ने पैदा की थी, तो इसकी 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 फोर्स कितनी है 120. तो F1 की हो जाए आप 120 लिखो. अब इसका मोमेंट आप चेक करना है. जरा इधर देखो. अच्छा एक सिंपलीफाइड डायग्राम है, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, रीड्रॉ करता हूं डायग्राम. ठीक है, ये लेडर है, ये उसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये पॉइंट A एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट B है, इस लेंथ है L, और यहां पे आपके पास LYR और यहां पे आपके पास LX. रिमेंबर इसको पॉइंट C कह दो, इसको पॉइंट C कह दो. फिर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां से पास हो रही है और यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x lx y 2 के बराबर है? इसी तरह और से देखो, आपका नॉर्मल रिएक्शन r इस तरफ एक्ट कर रहा है कि नहीं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का फासला मोमेंट आर्म कहलाएगा. तो ये मोमेंट आर्म ly के बराबर है. तो आपका r1 किसके बराबर हुआ? lx y 2. और r2 किसके बराबर हुआ? ly के. ये बात दोबारा समझाऊं? ओके, लेट मी डू इट अगेन. वेयर इज द डिस्टेंस? आपने मोमेंट आर्म की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम. पहले लेडर को लेते हैं. लेडर कितने एंगल पर है? 17 एंगल पर है. लेडर की लेंथ, ये लेडर की लेंथ का y कंपोनेंट और ये लेडर की लेंथ का x कंपोनेंट. ठीक है, तो ये लेंथ्स हैं, ये एज अ मोमेंट आर्म बिहेव कर सकती है. अभी तो देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन वॉल का रिएक्शन है कि नहीं? ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब यहां से जो यहां तक फासला है वो मोमेंट आर्म है. तो अब बताओ वो मोमेंट आर्म r2 ly के बराबर है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह जो लेडर है वो यूनिफॉर्म है, उसका वेट W एग्जैक्टली सेंटर में एक्ट करेगा. तो ये उसका वेट W हो गया. अब बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक का फासला LX by 2 के बराबर है? Yes, तो वी नेम इट एज R1. समझ आया? Yes, तो अब बताओ R1 यहां पे क्या लिखूं? LX by 2. और यहां पे R2 LY, वो LY के बराबर है. और F2 120. Yeah, unknown force. It is a reaction. Anti-clockwise star. कौन पैदा कर रहा है? R. तो हम यहाँ पे R लिख देते हैं. ठीक है? इसको जरा proceed करें. यहाँ पे LX into 120 divided by 2 is equal to LY into R. LX इसके बराबर है. इसको तो cancel करो ना, 60 आ जाए. LX is L cos theta. Multiply with 60 is equal to L Y is yes, into R. ठीक है, cancel होता है. L और L. इसलिए इस question में अगर length ना भी दी जाती, जो कि given है 4 meter, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि length cancel out हो जाती है. अच्छा, अब angle कितना है? 70 into 60 is equal to sin 70 into R. तो cos 70 0.93 है into 60 और sin 70 0.33 या 34 है into r. अब बताओ ये भी पता है, ये एंगल नहीं है वैल्यू, ये भी पता है, ये भी पता है, r की वैल्यू मिल जाएगी. the value of r turns out to be देखिए कितनी है, 21.7 न्यूटन. अब चेक करो, आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया. आपको रिएक्शन आपका ग्राउंड चाहिए था, मिल गया कि नहीं? और यही r fx के भी बराबर है, तो मुझे fx भी पता चाहिए. तो मैं f फाइंड कर सकता हूं, द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड. इट इज द सम ऑफ x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड. x कंपोनेंट की वैल्यू 21.7 ही है और y कंपोनेंट की वैल्यू 120. स्क्वायर कर दें, बताइए क्या रिजल्ट आता है? 1.94 न्यूटन. तो ऑलमोस्ट 122 न्यूटन ये आपके पास ग्राउंड का रिएक्शन. क्लियर हुआ? यस सर. तो ये हमारे का प्रॉब्लम. फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स शुड बी जीरो.
तो x के अलावा एक तो ये वाली फोर्स है fx, ये लेटर स्लिप करना चाहती है तो fx उसको स्लिप करने से रोक रहे, और दूसरी फोर्स लेडर दीवार को गिराना चाहती है तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो ये दूसरी फोर्स x के अलावा। अब ये fx पॉजिटिव है और r नेगेटिव, इन दोनों का सम जीरो, तो ये नेगेटिव इधर आ गई। इसी तरह y के अलावा ये अपने वेट w की वजह से ग्राउंड को डाउनवर्ड पुश कर रहा है, अगर ये नर्म जमीन होती तो ये इसके अंदर फंस जाती ना, इसका मतलब इसका वेट w डाउनवर्ड है तो ग्राउंड का रिएक्शन अपवर्ड है, तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी राइट fy minus w is equal to 0, सो fy is equal to, hence w की वैल्यू हमें गिवन है, fy को डायरेक्टली मिल जाता है। समझ आ गई? ओके फोर्स ऑफ ग्राउंड 121.94 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता है एक ग्राउंड वाला, बिल्कुल ग्राउंड का ये रिएक्शन आ रहा है, ग्राउंड का टोटल रिएक्शन ये है, ठीक है ठीक है, इसको पास कर दें थोड़ी देर के लिए। ओके प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके पास, एक यूनिफॉर्म आई बीम है 450 केजी, यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, और इसकी लेंथ पूरी की पूरी बीम की लेंथ जो है डेटा से पता चलती है कि 8 मीटर है, जिसमें 5.6 मीटर के फासले पर फ्रॉम एंड ए या 2.4 मीटर के फासले पर फ्रॉम द एंड बी एक लोड हैंग किया गया है 220 केजी का। अब ये दोनों सपोर्ट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों सपोर्ट्स पर इन दोनों लोड्स की वजह से फोर्स एग्जर्ट होगी। अच्छा ये दोनों फोर्सेस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी तो ये दोनों फोर्सेस बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट करो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एफ ए है और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एफ बी है। रिमेंबर दिस वन इज नॉट अ फोर्स, दिस इज मास, दिस इज आल्सो नॉट अ फोर्स बट अ मास। अच्छा अब मुझे एफ ए बी कैलकुलेट करना है और एफ बी भी कैलकुलेट करना है, तो पहले इन मासेस को फोर्सेस में कन्वर्ट करो, तो बताओ अगर मैं कह दूं कि ये फोर्स F1 है तो ये किसके बराबर होगी, M1 into G के बराबर होगी, सो F1 is equal to M1 G का मतलब 450 into 9.8 के बजाय 10 ले लेते हैं, तो 450 multiply with 10, सो F1 is equal to 4500, ठीक है। इसी तरह इसके लिए जो फोर्स है उसको F2 कह दें, F2 is equal to M2 into G, तो F2 is equal to 2 to 0 multiply with 10, so F2 is equal to double 2 double 0 new. ठीक है, अच्छा अब हमें MVP find करना है, FB भी find करना है, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, अगर मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं तो सेकंड, तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स शुड बी, बताओ एक्स के अलोंग कोई फोर्स है? नहीं, फोर्सेस या तो अपवर्ड है या तो डाउनवर्ड है। और F1 और F2 अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन और डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन, ऐसा करेंगे कि इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए FA प्लस FB माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे। FA FB की तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, FA प्लस FB इज इक्वल टू, ऐसा करो दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, इट बिकम्स F1 प्लस F2, सो आई गेट FA प्लस FB इज इक्वल टू F1 प्लस F2 4500 प्लस F2 2200 न्यूटन, तो 2000 और 4000 6700 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे दोनों फोर्सेस का सम मिल गया, लेकिन दोनों फोर्सेस एफ ए और एफ बी नहीं पता चलेगा, एफ ए और एफ बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन लगा देंगे। सो ऐसा करते हैं, पहले तो चूज करेंगे पॉइंट, चूज करेंगे किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करनी है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मैं एक ट्रिक रिवाइज करता हूँ, हर वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने के लिए सुटेबल होगा जिससे अननोन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही हो। अब देखो F1 हमें पता है,
F2 हमें पता है, तो ये दोनों फोर्सेस नोन फोर्सेस हैं, इसलिए इन फोर्सेस के पॉइंट को कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बनाएंगे। मुझे FB पता है, FA पता है, इन दोनों में से किसी एक को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने से फायदा ये होगा कि सिस्टम से एक अननोन फोर्स गायब हो जाएगी क्योंकि उसकी डार्क जीरो है। तो ऐसा करते हैं कि पॉइंट A को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लें, B को भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। अगर आप A को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लें तो अब हमें मोमेंट आर्म तय करने पड़ेंगे पहले से। ये F1 है आपका, हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, F1 यहां पे एक्ट कर रहा है। बताओ F1 का मोमेंट आर्म पॉइंट A से क्या होगा, R1 कितना होगा, 4 होगा, क्यों, टोटल लेंथ कितनी है, वेरी गुड, टोटल लेंथ 8 है और ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका मोमेंट आर्म 4 मीटर। अच्छा अब F2 को टारगेट करो, F2 इधर देखो, F2 ये है, F2 यहां पे है, F2 यहां पे एक्ट कर रही है, तो 5.6 होगा कि नहीं, वो ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है, तो इसका मोमेंट आर्म 5.6 मीटर, समझ आ गई। अच्छा बताओ F यहां पे है, F का मोमेंट आर्म कितना होगा, आर बी कह देता हूं उसको, कितना होगा 8, क्योंकि वो पूरी आई बीम की लेंथ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सपोर्ट को यहां से हटा दूं तो ये आई बीम ऐसे गिरेगी नीचे, कौन सी फोर्स की वजह से, यानी पहले ये बताओ कौन सी फोर्सेस की वजह से, इसका मतलब कि F1 और F2 कौन सी टार्क पैदा कर रहे हैं, लुक एट इट अगेन, ये देखो ये आई बीम है जिसको दोनों एंड्स पर दो फोर्सेस से सपोर्ट किया गया है, ठीक है, दो सपोर्ट दे दी गई है। अब अगर ये वाली फोर्स FB हट जाए, ऐसे जाएगा कि नहीं, तो जब ये ऐसे गया तो उसको नीचे ले जाने वाली दो फोर्सेस कौन कौन सी है, डायग्राम के मुताबिक F1 और F2 है, तो कौन सी टॉर्क पैदा कर रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो वो ये वाली लाइट की है ना, मैंने कहा FB हटा दो, सपोर्ट हटा दो, तो जब मैंने आपको यहाँ पे ये यूनिफॉर्म रॉड हाथ में पकड़ा हुआ था, तो एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, अब जरा और से देखना, मैं ये वाली सपोर्ट हटा दूँ, वो दो लोड तो इधर हैंग कर रहे हैं, वो तो नहीं है, वो लाइव हुए, ये सपोर्ट लाइव हुए। अच्छा बताओ ये दोनों कौन सी टॉर्क पैदा कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये कौन सी टॉर्क पैदा कर रहे हैं, और ये देखो भी इसकी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है ना, अगर ये आई बीम अपवर्ड जाती तो कौन सी टॉर्क पैदा करती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। So, यहाँ पे हम लिख देते हैं sum of all the clockwise stars is equal to sum of all the anti-clockwise stars according to second condition. Clockwise star F1 ने भी पैदा की, F2 ने भी पैदा की, तो इस torque को हम torque 1, torque 2 is equal to anti-clockwise star F भी पैदा कर रहे हैं, इसको torque B कह दो। अच्छा ये R1 F1 plus R2 F2 is equal to RB F3, ऐसे हो जाएगा। yes, अब R1 किसके बराबर है, 4 मीटर के, और F1 4,500, R2 5.6 मल्टीप्लाई विद F2 2200 इज इक्वल टू RB 8 मीटर, शाबाश, मल्टीप्लाई विद FB, तो वो तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब अब हमें पता चल जाएगा, 8 को इधर लाके डिवाइड करें और बताएं FB क्या आता है, FB की वैल्यू बताएं, इसमें है ना कैलकुलेशन डायरेक्ट मुझे बता रहे हैं, तो 3714 न्यूटन, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी FB की। अच्छा अब हमने सम फाइंड किया था FA प्लस FB, FA प्लस FB बराबर था 6700 न्यूटन अबाउट, अबाउट, ठीक है, गाइड में मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट दिए हैं, तो अब एफ ए की क्या वैल्यू होगी, 6700 माइनस 3714, ये 9.8 वाले रिजल्ट के मुताबिक है, इवन सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे रिजल्ट बताए 2852। अब रिजल्ट का एनालिसिस स्टडी करो, एनालिसिस देखो रिजल्ट का, एफ बी कितना है और एफ ए ज्यादा कौन सा है, FB ज्यादा है, क्यों FB ज्यादा है, क्योंकि ये लोड इस एंड के ज्यादा करीब है, समझ आई कि नहीं आई, तो यहां पे रिएक्शन भी ज्यादा है, क्लियर हुआ।
ठीक है, आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। प्रॉब्लम नंबर 9। अच्छा अब प्रॉब्लम नंबर 7 को देखिए, ठीक है। क्या नाम है आपको? हसन ने एक सवाल पूछा, हसन ने ये पूछा कि सर क्या इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम के डायग्राम जो है वो पेपर में गिवन होंगे कि नहीं। अब मैंने प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 और 9 अटेम्प्ट किए, उनके डायग्राम्स गिवन थे, तो हमने भी डायग्राम ड्रॉ की और वहां से डेटा निकाल के क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 7 में कोई डायग्राम गिवन नहीं है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 का डेटा पढ़ के उससे डायग्राम खुद बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली उससे कहानी सुनाई भी है, हम वो कहानी ड्रॉ करके और उससे जो रिक्वायर्ड डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको सोल्यूशन देंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड की लेंथ 1 मीटर होती है, दैट इज सो ऑब्वियस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये 0 सेंटीमीटर, बल्कि ऐसा करते हैं यहीं पे मेंशन कर देते हैं, विल रब इट कंप्लीटली, कि ये 0 सेंटीमीटर मार्क है और ये 100 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है। अच्छा, इससे खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका वेट एग्जैक्टली सेंटर पर होगा ना। अच्छा, फिर इसने खुद कहा है कि 0 सेंटीमीटर मार्क पे 10 न्यूटन फोर्स है और 100 सेंटीमीटर मार्क पे 15 न्यूटन फोर्स है, ये क्वेश्चन में बताया गया। तो मैंने क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम ड्रॉ किया। इससे क्वेश्चन में कहा था कि एक मीटर रॉड है 6 न्यूटन का, जिसके एक एंड पर 10 न्यूटन की फोर्स और दूसरे एंड पर 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, यानी लोड हैंग कर रहे हैं, उनकी वजह से 10 न्यूटन और 15 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब बताओ क्या ये सेंटर पे बैलेंस हो सकता है? नहीं। सेंटर कहाँ पे? जहाँ पे ये 6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, ये इसका 50 सेंटीमीटर मार्क है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो सकता है? नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ बैलेंस रखूं, इस तरफ भी मोमेंट आर्म 50 है, उस तरफ भी मोमेंट आर्म 50 है, लेकिन इस तरफ फोर्स, इस तरफ फोर्स, इट इज लाइक अ सीसॉ। सीसॉ में इधर आप बैठे हुए, इधर आपका बड़ा भाई बैठा हुआ, तो डेफिनेटली वो ज्यादा टॉर्क एग्जर्ट करेगा, तो क्या ये सेंटर पे बैलेंस हो सकता है? नहीं। अब इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा कि आप मुझे पॉइंट बताएं कि किस पॉइंट पे इसको बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट पी पर बैलेंस होता है सिस्टम, यहाँ पे एक नाइफ एज पे ये सिस्टम पॉइंट पी पे बैलेंस होता है, तो इस पॉइंट पी की पोजीशन बतानी है। अच्छा, पोजीशन में और मोमेंट आर्म में फर्क आपको पता होना चाहिए। ये बताओ, अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स F3 है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 0 सेंटीमीटर। इसकी पोजीशन 50 सेंटीमीटर। इसकी पोजीशन 100 सेंटीमीटर। समझ आई? लेकिन अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये फासला क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म। दोबारा बताओ, ये फासला क्या कहलाएगा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पी से इंडिकेट कर दो, ये फासला मोमेंट आर्म है, फर्स्ट करो ये एक्स है, तो मोमेंट आर्म में और पोजीशन में फर्क होता है। समझ आई? मोमेंट आर्म कितना है? एक्स है, और पोजीशन कितनी है? अगर मैं 10 न्यूटन की बात करूं, तो इसका मोमेंट आर्म कितना होगा? 50 प्लस एक्स होगा। देखो, इसका मोमेंट आर्म आपने बता दिया ना, F2 का मोमेंट आर्म है x, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? 50। समझ आई? समझ आई? ओके, अब मुझे F1 का मोमेंट आर्म चाहिए, तो F1 का मोमेंट आर्म यहां से यहां तक फासला कितना है? यहां से यहां तक कितना है? x। तो अब बताओ कि R1 कितना होगा? R1 is 50 प्लस x। समझ आई? अच्छा, इसी तरह यहां से यहां तक फासला कितना है? वो भी 50 है, लेकिन ये फासला सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये फासला कितना होगा? 50 माइनस x। होगा कि नहीं? तो आपके आदमी की क्या वैल्यू हुई? 50 माइनस x। समझ आ गई? अब बताओ टोटल कितनी फोर्सेस है? F1, F2, F3, और उन तीनों के मोमेंट आर्म भी हमें पता है, और हमें पॉइंट ऑफ बैलेंस फाइंड करना है कि ये बैलेंस पॉइंट मीटर रॉड पर कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस पॉइंट फाइंड करने के लिए सेकंड कंडीशन लगानी है। क्यों?
फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ फोर्सेस का जिक्र है, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x इज 0, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y इज 0, लेकिन सेकंड कंडीशन में मोमेंट आर्म का जिक्र है, तो मोमेंट आर्म का जिक्र है, तो मोमेंट आर्म यहां पे x है कि नहीं, x की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो बैलेंस पॉइंट पता चल जाएगा, इसलिए यहां पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब बताओ हमें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तीनों फोर्सेस पता है, तो डिसाइडेड है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, टी। एफ1 पता है, यस सर। एफ2 पता है, यस सर। एफ3 पता है, यस सर। तो फिर इनमें से कोई भी फोर्स अननोन नहीं है, तो बस यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा, इसी के मुताबिक कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा अब ये बताओ कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये दोनों कौन सी टॉर्क पैदा कर रहे हैं, ये दोनों कौन सी टॉर्क पैदा कर रहे हैं, लुक एट हियर, ये देखो ये बैलेंस पॉइंट है ना, यस सर। तो ये अपने वेट डब्ल्यू की वजह से कौन सी टॉर्क पैदा कर रहे हैं, अब इधर आ जाओ, F3 कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क F1 और F2 ने पैदा किया, तो उसको टॉर्क 1 और टॉर्क 2 कह दो, क्लॉकवाइज टॉर्क F3 ने पैदा किया, उसको टॉर्क 3 कह दो, टॉर्क 1 R1 F1, टॉर्क 2 टॉर्क 3 R3 F3। अब R1 कितना है, 50 प्लस x, F1 कितना है, 10 10 प्लस R2 50 वो नो R2 x के बराबर ही है, R2 is equal to x, F2 का moment arm x है, into F2 6 is equal to R3 50 minus into F3 15, अब multiply करो 10 into 50 500, 10 into x 10x, 6 into x 6x is equal to 15 into 15 750 minus 15x, x को इधर shift कर देंगे, ठीक है, और ये 500 उधर चला जाएगा, अच्छा 10 plus 6 नेगेटिव, इधर आके इज इक्वल टू 750, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, सो द रिजल्ट इज 31, x इज इक्वल टू 250, सो x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय व्हिच इज अबाउट 8.07 एज आई रिमेंबर, 8.06 सेंटीमीटर, 8.06 सेंटीमीटर, ये आपके पास मोमेंट आर्म है, ये वो पोजीशन नहीं है, अब बताओ पोजीशन क्या होगी, 50 प्लस x पोजीशन होगी, क्योंकि ये तो हमने मोमेंट आर्म फाइंड किया है ना, कि पॉइंट बी का इस फोर्स से फासला 8.06 है, तो अब बताओ कि अगर 50 के साथ ये वाला फासला 8.06 ऐड करूं तो मुझे बैलेंस पॉइंट मिल गया कि नहीं, तो पोजीशन ऑफ बैलेंस point is equal to ये इस end से लेना है, अच्छा 50 plus x, तो 50 plus 8.06 is equal to 58.06 centimeter, इस end से नहीं लेंगे, ये तो 100 है, position तो 0 से मैयर होती है, इसलिए 50 minus x करोगे तो balance point नहीं मिलेगा, समझ आई, तो ये खत्म हो, मुश्किल तो नहीं है कोई।